काशीपुर में पूर्व पार्षद के भतीजे के घर छापेमारी की गई, जहां से कुल 66 पेटियां प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बरामद किया गया। फैक्ट्री संचालक पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। काशीपुर के ढकिया गुलाबो नगर में पूर्व पार्षद राधेश्याम प्रजापति के भतीजे के घर पर नगर निगम, राजस्व विभाग एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जहां से कुल 66 पेटी प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बरामद किया गया, जिसमें से 51 पेटी डिस्पोजेबल ग्लास की और 15 पेटी चम्मच बरामद किए गए हैं। इस मामले में फैक्ट्री संचालक पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक नगर आयुक्त तो यशवी राठी ने बताया कि लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध नगर प्रशासन का अभियान जारी रहेगा। दिनों से नगर निगम प्रशासन लगातार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के बड़ी कार्रवाई करने या बड़े जो हमारे भंडारण करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना है। उसी कड़ी में आज ये ढकिया गुलाबो में एक मकान पर छापेमारी की गई, जिसमें 51 पेटी प्लास्टिक के गिलास जो प्रतिबंधित हैं और 15 पेटी चम्मच जो प्रतिबंधित हैं उनको जब्त किया गया है। उनको चलानी कार्रवाई जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जा रही है। टोटल माल हमने बाकी जब्त कर लिया आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।